आई कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और आज का जो विषय है भारत एट 2047। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस टॉपिक में ही थोड़ा सा एक गड़बड़ है, क्योंकि गोवा 1960 में आया, त्रिपुरा 1949 में आया, सिक्किम 1975 में आया। तो सबसे पहले ये यूनिफॉर्मिटी जो हम हमेशा लाना चाहते हैं, कभी वस्त्र में हो, कभी भाषा में हो, कभी खाने में हो, आजकल हम सब चीज को एक यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हैं। इंडिया इज वेरी यूनिक कंट्री। इंडिया में आप यूनिफॉर्मिटी इतने आसानी से नहीं ला सकते। मैं जानता हूं कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक बात है कि हमें सब इसको मान के चलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक झटके में नहीं आया। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, किसी ने गोवा में किया, किसी मणिपुर में किया, त्रिपुरा में किया, कश्मीर में किया, हैदराबाद में किया। तो आप हाउ डू यू सी इंडिया 2047? देयर आर मेनी इनएक्यूरेसीज एज वेल। लेट मी स्टार्ट। द अर्लीस्ट स्पीकर स्पोक अबाउट एजुकेशन, आपने शिक्षा के बारे में बात की। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बात बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस रूम इज फिल्ड विद नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई त्रिपुरा माता एमएलएज आई है। मेरे राज्य में त्रिपुरा में हमने सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2006-2007 में आजादी के 60 इयर्स के बाद एक राज्य को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला। इससे पहले हमें कहीं और जाना पड़ता था अगर आपको क्वालिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा चाहिए थी, देन यू विल हैव टू ट्रैवल टू मेघालय और मे बी टू असम और मे बी टू दिल्ली और बॉम्बे मुंबई, बट इन योर ओन स्टेट वी डू नॉट हैव अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वी टॉक अबाउट इंडिया एट 2047 एंड यहां में मैं आज मुंबई में आया हूं। मैंने सुना एक दो विधायक बात कर रहे थे कि नाउ ये डूइंग डीएनए टेस्टिंग। मैं तो अनुसूचित जनजाति हूं, बहुत लोग अनपढ़ गवार भी बोलते हैं। मेरे खुद के कजन ब्रदर्स लोग मुझे जो दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, दे ऑफन कंसीडर मी अ लेसर रॉयल, यू नो, बिकॉज ये फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ के लोग, मैं आज सुन रहा था, दे वर टॉकिंग अबाउट डीएनए, दे वर टॉकिंग अबाउट कैंसर रिसर्च, स्टेम सेल रिसर्च। मेरी यहाँ पे एक विधायिका है, शी कम्स फ्रॉम गंडतुईसा ढलाई, पीपल स्टिल डाई ऑफ मेनिनजाइटिस, डायरिया एंड मलेरिया। सो यू कांट टॉक अबाउट इंडिया बाय इग्नोरिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको बोलता हूँ हाउ आई सी इंडिया इन 2047। Many people measure India by GDP. Many people in this country measure India by G20. Many people in this country measure India by our image abroad. I measure my India, and I'm going to keep it to maybe 8 minutes, 1 minute extra I'll speak. I see my idea of India if my community, which is only 8 to 10 lakhs, 12 lakhs, can be around in 2047, speaking our own language, wearing our own clothes, and surviving in a 1.8 billion or 2 billion population. The real India I see, agar Hindustan ko ek rehna hai, Hindustan ko unnati karni hai, to Hindustan ke chote se chote sampradaya ko, कोई भी धर्म हो उनका, उनको 2047 में रेलिवेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है? विश्व में सब आपको ताली मारेंगे, आपके लिए ताली मारेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र से अगर हम बचेंगे नहीं, हमारा वस्त्र नहीं रहेगा, हमारा भाषा नहीं रहेगा, हमारा आइडेंटिटी नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये कौन सा भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं? बहुत लोग, मैं शायद मैं भी उस समय जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो जनजाति है, हमारा जो ट्राइबल है, जो इंडिजिनस है,
वो 2047 में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। सर यू स्पोक अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लेट मी टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू मी इज वी टॉक अबाउट हम दो हमारे दो, लेकिन इन इंडिया पॉपुलेशन इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू विन इलेक्शंस। टुडे आई डोंट नो इफ समबडी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बट उत्तर प्रदेश डिसाइड्स व्हाट 30% ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिसाइड। सो वी हु कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, what say do we have in this Indian democracy? Is this country based on population? Are you going to reward population and not diversity? But what I see is that if India has to prosper in 2047, you'll have to change the democracy as we see. We are supposed to be grateful for the great democracy. The great democracy these days only rewards numbers. Empathy has gone out. Jingoism and rhetoric has come in. So I think for us to survive in 2047, we will need to look after. When we talk about minority today, we talk about religion, but minority are also ethnicities. I speak for my region. I don't speak for the rest of the country. I think we should all speak for our region. हम लोग सबको अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहिए। बहुत बार मैं जाता हूँ और मैं सुनता हूँ कि आपका तो छोटा राज्य है, आप तो बहुत कम है। जमीन, इमोशन और देश सिर्फ नंबर से नहीं बनता है, जुड़ने से बनता है। इफ इंडिया हैज टू प्रॉस्पर इन 2047, वील हैव टू थिंक फॉर अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। We have to think about climate change because we are not living in an insulated world. We have to think about unlearning what we have learned in the last 60 years. I'm not saying unlearning after 2014. I'm talking about unlearning throughout, because there are many things that we have to learn. And politically, we are some of you here. So, you legislators and leaders, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मुझसे त्रिपुरा से ज्यादा नहीं जानते, जैसे कि मैं भी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, इमोशन सबका एक होता है। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान को 2047 में रेलिवेंट बनना है तो हमें अपने क्षेत्र को छोड़ के भी जाकर दूसरे क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने देश को ही नहीं समझेंगे हम बाहर जाकर क्या बात। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज लेजिस्लेटर्स, एज लॉ मेकर्स, टू ट्रेवल एंड अंडरस्टैंड, नॉट गो ऑन जंकेट टॉक, बट गो एंड अंडरस्टैंड। एंड आई नो देर आर सम लीडर्स हियर हु हैव ट्रेवल्ड द नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, एंड आई सी देम इन द रूम। वी मे बी पोलिटिकली इन ऑपोजिट कैंप्स, बट आई डू अप्रिशिएट दैट वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट इवन द बेस्ट क्वालिटीज इन आवर ओपोनेंट्स। एंड a great India in 2047 will only be possible if we are all humble. ये देश को humble रहना पड़ेगा। जो देश के अंदर अहंकार आ जाता है वो देश अपने ही लोगों को सबसे पहले छोड़ता है। फाइनली मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी इस सेशन के बाद हमसे बात करें, हम भी आपसे सवाल पूछे, आप भी सवाल पूछिए, लेकिन हॉस्टिलिटी नहीं होना चाहिए। आजकल 9 बजे के टीवी चैनल्स में मैं देखता हूं हर जगह में इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ वॉर, ये इतना इस देश में इतना व्हाई इज सो मच एंगर, व्हाई आर यू सो अपसेट, क्योंकि वी आर पेड फॉर इट। यस त्यागी जी तो सब जानते हैं, ये गुस्सा को भी हमें त्यागना पड़ेगा त्यागी जी। और जिस दिन ये कब तक ये चलेगा, ये कब तक ये चलेगा, और जब तक ये चलेगा इस मुद्दे में कोई बात नहीं करेगा। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आप उसको कुछ भी कहे, ये किसी एक व्यक्ति का जागीरदारी नहीं है, ये हम सब की विरासत है।
एंड दैट विरासत हैज टू बी मेंटेन थ्रू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमिलिटी एंड यूनिटी. बेलाई बेलाई नो हम भाई. थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रज्योत फॉर दैट वेरी आर्टिकुलेटिव स्पीच एंड ऑल्सो अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी. थैंक यू. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री संजय निरुपम जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट मुंबई रीजनल कांग्रेस कमिटी एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा. संजय जी सभी लोगों को नमस्कार. सबसे पहले यह इस प्रयास को इस कोशिश को मैं सलाम करता हूं जिसके तहत MIT ने पूरे हिंदुस्तान के सभी विधायकों को बुलाने का एक आइए अटोले जी पसंद आमचे शेरों सारी नहीं होगी इनकी आमचे केंद्र शासनाचे मंत्री आणि महाराष्ट्राचे मोठे नेते RBI प्रमुख आठवले साहेब इकडे आलेले आहेत. त्यांचा स्वागत आहे. तो इस प्रयास को मैं सलाम कर रहा हूं जो MIT की तरफ से हुआ जिसके तहत उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रदेशों के तमाम प्रदेशों के विधायकों को बुलाने का प्रयास किया और न सिर्फ बुलाया बल्कि यहां पर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है और उसमें से कुछ सार निचोड़ने की कोशिश हो रही है. यह कोशिश बहुत ही अच्छी है. बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के बगैर किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के एक संस्था इतना बड़ा आयोजन कर रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात. और मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. इंडिया एट 2047 मैंने आज से 24 साल बाद हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान क्या होगा, इस बारे में आप लोग कुछ एक मंथन कर रहे हैं और कुछ उसमें मेरी राय जानना चाहते हैं. सबसे पहले तो 2047 में हिंदुस्तान में लोग कितने होंगे पहले ये कल्पना करना बहुत जरूरी है. आज हम हर साल लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है. 2021 में हम लोग 140 करोड़ थे, 2022 में 141 करोड़, इस समय 142 करोड़, मेरे ख्याल से 18 लाख या 20 लाख के आसपास 28 लाख पॉपुलेशन है हमारा. और इस गति से अगर चलते रहे तो 2047 में समझ लीजिए कि लगभग 25 करोड़ और उसमें जोड़ दिया जाए तो 170 करोड़ के आसपास हैं. तो 170 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी होगी, उसके बारे में सोचना जरूरी है. उस आबादी में क्या क्या समस्याएं होंगी, मैं आबादी को समस्या नहीं मानता. सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं. मेरा मानना है पॉपुलेशन हमारी एसेट है, इसीलिए पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के बच्चे राज कर रहे हैं. तो मैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल के फेवर में बोलने नहीं जा रहा हूं. मैं तो बोल रहा हूं कि ये होने जा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं. 2014 में हमारे देश में जो भूखमरी के शिकार लोग थे वो 19 करोड़ लोग थे. 2022 आते आते जो भूखमरी के शिकार पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ हो गए. 2047 में क्या होगा ये कल्पना करिए. तो सबसे पहले मेरी चिंता ये है कि फूड फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर किसी भी सरकार को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबको फोकस करना. साहब लगभग 122 मिलियन टन किसानों के नेता हमारे बीच है सेठी साहब, 122 लाख टन गेहूं का उत्पादन हमारे देश में हुआ, 5 मिलियन टन बढ़ गया इस बार, 120 122 लाख टन के आसपास चावल का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसके हम अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे.
बावजूद इसके हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं, भूखमरी के शिकार है कि अपने आप में शर्मनाक पाए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी पहली चिंता यह होनी चाहिए कि कैसे 2047 आते आते हिंदुस्तान के हर आदमी को दो रोटी देने का इंतजाम होता है, कोई भी आदमी भूखमरी का शिकार ना। जैसे एक बड़ा डिस्प्यूटेड इश्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे याद दिलाना चाहिए, जब यूपीए की सरकार थी, मैं जानबूझ के मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूं, इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करती नहीं, कृपया करके उसको उस नजर से ना देखा जाए। जब यूपीए की सरकार थी तो एक बार अडवाणी जी गए थे यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने जब ये सब नरेगा वगैरह की बातें कही, तब उन्होंने ये बात कही थी वहां पे कि 26 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, वो एक प्रयास था। पिछले कुछ वर्षों में तरह तरह की समस्याएं आई हैं, कोरोना वगैरह आया, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 28 करोड़ लोग पुनः गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये हमारी चिंता होनी चाहिए कि कैसे गरीबी रेखा से जो ऊपर के कम से कम उसको और ऊपर लेके जाइए, हमें नीचे बचाने दीजिए, और कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा फीड करने, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का इंतजाम हो, इस चिंता पे काम होना चाहिए। तो 2047 मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है फूड फॉर ऑल। दूसरा जॉब फॉर ऑल, कोई बेरोजगार ना रहे। पिछले साल लोकसभा में वर्तमान जो सरकार है उसके एक मंत्री महोदय ने बताया कि 22 करोड़ लोग बेरोजगार है हमारे देश में। 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, सॉरी नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए अप्लाई किया, और उसमें 7 लाख लोगों को नौकरी दिया। मुंबई नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस तो मजा गवा एमएलए साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीनी त्रिपुरा नहींगे चीनी त्रिपुरा मोथा नहीं चीनी गुबाग्रा लेक्चर ना रखे पैक है मौका मुंबई नी जीओ वर्ल्ड सेंटर हो नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस खनाब तंख तबुक चल हुई तो इट इज इन मुंबई तो सरकारी नौकरियों में कितना भी अनाउंस कर ले, जॉब मेला कर ले, रोजगार मेला कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। आप 6 महीने में 17,000 लोगों को जॉब दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। यहां तो हर महीने 10 लाख लोग तैयार हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये फिगर जबरदस्त होगा। तो उसको टैकल करने का इंतजाम होना चाहिए, उसको कैसे उन अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे रोजगार देना है, उस दिशा में काम होना चाहिए। और उसमें जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक जॉब क्रिएशन के अलग अलग एवेन्यूज नहीं ढूंढे जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1960 के बाद पहली बार नीचे गया है, तो जीडीपी में उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से पहले 15% था, घटके 13% हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा। इंडिया बेसिकली सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड कंट्री होता चला जा रहा है, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। ठीक है साहब, सर्विस सेक्टर पर ही फोकस करो, सर्विस सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन है, बहुत मेजर है। तो कैसे सरकारों को, चाहे कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार हो, कैसे जॉब क्रिएशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना है, ताकि 2047 आते आते हमारे यहां बेरोजगारों की जबरदस्त फौज ना हो, सारे नौजवानों के पास रोजगार हो, इसका एक इंतजाम होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। तीसरी बात, ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 6 से ज्यादा रिलीजन है, पता नहीं कितने जातियां हैं, 1,500 से तो ज्यादा भाषाएं हम लोग बोलते हैं, अलग अलग जातियां, अलग अलग समाज, अलग अलग बोलियां, तो एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड किस्म का, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक हमारा हमारे 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 सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वो है करैक्टर है। तो इसको जितना, इसमें जितना सामंजस्य, जो बात त्रिपुरा वाले हमारे साथ ही कर रहे थे, इसमें जितना आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हिंदुस्तान मजबूत होगा। इसमें हम कोई भी चीज अगर इम्पोज करना चाहेंगे, थोपना चाहेंगे, तो उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा तो सामाजिक वैमनस्य तैयार होगा,
सामाजिक द्वंद तैयार होगा, और जब सामाजिक द्वंद तैयार होता है तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो विकास प्रभावित होता है, डेवलपमेंट कहने के हैम्पर होता है। तो कैसे सामाजिक समरसता तैयार हो समाज में, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं एक पॉलिटिकल बात कहूंगा, लेकिन बगैर किसी पॉलिटिकल आग्रह के, पिछले कुछ वर्षों में जो हेट स्पीचेस का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ है वो लगभग 6 times ज्यादा बढ़ा है 4-5 वर्षों में। 4-5 वर्षों में हेट स्पीचेस देने की जो आदत पड़ी उसकी वजह से जो हेटरेट पैदा हो रहा है, जो नफरत पैदा हो रहा है, वो कुछ जरूरत से ज्यादा। तो 2047 में अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो हमारे समाज में कितना वैमनस्य पैदा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या क्या होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो हमारी अभी से कोशिश ये होनी चाहिए कि सामाजिक वैमनस्य को जितना ज्यादा हो के नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाए। कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, जो छोटे छोटे राज्यों के लोग हैं, छोटे छोटे राज्यों, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन वाली जातियां, उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी। एकदम नीचे स्तर पर जो बैठे हुई जातियां हैं, समाज के लोग हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा, चाहे किसान का वर्ग हो या मजदूर का, मजदूर वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसको सुनना पड़ेगा। और उसको मुख्य धारा में कैसे लाना है, उसकी बात कैसे सुननी है, उसको आगे बढ़ने का कैसे मौका देना है, ये होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। इसके सबसे पहली बात, भारत का जो संविधान है, भारत में जो कानून बना, जो देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए, पालन होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक समाज में सामंजस्य बना रहेगा। आखिरी बात मैं करके खत्म करता हूं, वो है मेरी चिंता अब मेरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान में बहुत सोच समझ के लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। हम लोग देश आजाद हुआ तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आखिरकार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, आपके नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, सरदार पटेल थे, और जो बड़े बड़े हमारे उस समय के नेता थे, उन लोगों ने तय किया कि हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पार्लियामेंट तय करेगा कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। और जब पार्लियामेंट को तय करना हो, पार्लियामेंट के मेंबर को तय करना है, तो पार्लियामेंट को बैठना भी पड़ेगा, पार्लियामेंट को सुनना भी पड़ेगा, और पार्लियामेंट में जो लोग बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, उसको सुनने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, और उनकी बातों को दबाना नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है जब नेहरू जी थे, जब 60s में, यहां तक 60s-70s तक की 130 दिनों तक लोकसभा बैठती थी, पार्लियामेंट बैठती थी साल में, 130 डेज पर ईयर, पूरी 16th लोकसभा, पूरी 16th लोकसभा पूरे 5 साल में 330 दिन बैठी है, और आज एवरेज 50 से 55 दिन बैठते हैं हम लोग साल के, मतलब मुश्किल से 2 महीने। तो जब तक पार्लियामेंट बैठेगा नहीं, डिबेट नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, एक दूसरे को हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम लेजिस्लेट नहीं करेंगे, जब हम लेजिस्लेट नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी तब तक हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे इस उसको। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 2047 आते आते और मजबूत हो, और हिंदुस्तान की जो आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, ये मेरी चिंता है। और मैं चाहूंगा कि 2047 आते आते निश्चित तौर पर पार्लियामेंट पूरे दुनिया, हम कहते हैं हम लोग वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कम से कम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में ना हो, और डेमोक्रेसी की जो माँ है वो और भी मजबूत हो, और हमारे देश की संसदीय जनतंत्र की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का बहुत अच्छे ढंग से पालन हो, ऐसी मैं 2047 आते आते अपेक्षा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संजय निरुपम जी फॉर सच ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर थॉट्स। आई वुड लाइक नाउ रिक्वेस्ट श्री राजू शेट्टी जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड लीडर ऑफ स्वाभिमानी पक्ष। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मंत्री महोदय श्री रामदास जी थैंक यू सो मच। लेकिन नो पोएट्री प्लीज, नो पोएट्री प्लीज, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स ही वुड लाइक टू स्पीक, नो पोएट्री, नो पोएट्री, नो पोएट्री, नो आई एम नॉट, यू आर पोएट, यू आर पोएट, नो आई एम पोएट, देयरफॉर आई एम एप्पल, आई एम एप्पल, देयरफॉर आई केम इन राउंड टेबल। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन से आए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन के भी हमारे लीडर हैं, सत्ताधारी पार्टी के भी लीडर हैं, और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
हम सभी लीडर ने एक दूसरे को कोऑपरेशन करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने देश को एज ए डॉक्टरिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सत्ताधारी पार्टी को भी महत्व है और अपोजिशन को भी महत्व है। जो कोई भी बिल जब पास होता है तो बहुत बार अपोजिशन के लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं और बहुत बार एक मत से भी बिल पास होता है। जब कोई मतभेद होते हैं तो कुछ बिल के ऊपर अपोजिशन आपकी भूमिका रख के विरोध भी करते हैं। तो अपनी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी अगर समर्थ डेमोक्रेसी बनानी है, मुझे लगता है कि एक दूसरे को कोऑपरेशन होना चाहिए। और हाउस का जो कामकाज है, ये रोज मतलब हंगामा करना ये ठीक नहीं है। हंगामा करो लेकिन एक दो दिन हंगामा करना चाहिए, लेकिन बाद में कामकाज चलना भी चाहिए। सत्ता में तो जब किसको मेजोरिटी मिलती है लोकतंत्र में, वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने वाले हमेशा सत्ता में रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपनी डेमोक्रेसी समृद्ध करने के लिए एक दूसरे के मन में आदर भी होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के संबंध में आपके मन में भी आदर होना चाहिए, अपोजिशन लीडर के बारे में सत्ताधारी लोगों के मन में भी रिस्पेक्ट होना चाहिए और इसी तरह अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत हमें बनाना है। तो आज MIT ने, हमारे राहुल कराड़ जी ने देश के तमाम लेजिस्लेटर को यहाँ बुलाया है, बहुत सारे लीडर्स को भी यहाँ बुलाया है, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इधर आए हैं और मुझे भी निमंत्रण था, इसलिए मैं भी यहाँ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर के नाते